अपने फिर से एक नया लैपटॉप ला चुका हूँ जो कि डेल की तरफ से है तीन जनरेशन आखिरी 2.4 टेरा का वही प्रोसेसर है जो कि आपको 256 GB SSD के साथ आता है और 1 TB 4 GB रैम के साथ आता है। तो ये जो है स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। मैं अगर आपको पहले बताना चाहता हूँ ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है भाई। बहुत सारे लोग वीडियो के अंदर बता रहे भाई गेमिंग चलेगा क्या, भाई पहले बताते गेमिंग लैपटॉप नहीं है क्योंकि आप फोटोशॉप वगैरह आप एडिटिंग वगैरह इस लैपटॉप में कर सकते हैं, कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। कोडिंग भाई आराम से चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हमारे जो लैपटॉप है इसका जो स्पेसिफिकेशन है जो परफॉर्मेंस है वो वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो ये लैपटॉप हम लोगों को टेक्नो सिस्टम की तरफ से मिला जो कि अनबॉक्सिंग का और रिव्यू वाला पैकेज है। तो टेक्नो सिस्टम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो का अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो जल्दी से कर लेंगे हमारा जो पैकेज है उसको अनबॉक्स। तो ये जो लैपटॉप है डेल इंस्पिरियन 15 3000 सीरीज का है जो कि 3501 मॉडल। और चलिए हम जो पैकेज खोल लेते हैं तो इस ऊपर के कार्टून हटाने के बाद हमारा जो लैपटॉप है वो लैपटॉप दिखाई देने वाला है। तो इस बॉक्स के अंदर हमारा जो लैपटॉप आ चुका है तो लैपटॉप को हम पहले ही बाहर निकालेंगे उसके बाद एक्सेसरीज को निकालेंगे। तो ये लैपटॉप आ चुका है, कुछ मिंट सॉफ्ट कलर में आता है बट मुझे सिल्वर जैसा ही लग रहा है, सिल्वर ही है। और ये आता है हमारा जो पावर कॉर्ड है, एडाप्टर का पावर कॉर्ड ये आ गया है और कुछ इस तरीके से देखने वाला है। तो देखिए और ये है 45 वॉट का एक एडाप्टर जो कि इस लैपटॉप के साथ ही आता है और पिन कनेक्टर कुछ ऐसा ही देखने वाला है, देखिए कुछ इस तरीके से देखने वाला है। और ये जो पावर कॉर्ड है ना दोस्तों ये आपको एडाप्टर के साथ कुछ ऐसे आराम से लगने वाला है, कोई झंझट और दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसे लगा देना है काम ख़त्म। और जो हमारे जो पैकेज के अंदर हमारा जो यूज़र मैनुअल है तो यूज़र मैनुअल आ जाएगा। जो लोग नया लैपटॉप खरीद रहे हो आपको जो टच पैड है ना, टच पैड का मैनुअल इस जगह पे मिल जाएगा, इधर आप चाहते देख सकते हो। और जल्दी से हम जो पॉलीथीन है उससे हमारा लैपटॉप बाहर निकालेंगे। तो हमारा आ गया लैपटॉप और इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, मतलब कि ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए कि लैपटॉप कुछ ऐसा आ जाएगा। ये जो लैपटॉप है ना ये 15.6 इंच का ये लैपटॉप है, मतलब कि स्क्रीन है। और इसका जो वेट है वो मतलब कि 2.78 kg में आता है। और इसका जो कीबोर्ड है इसको हम कहेंगे नंबिक कीपैड। और इसका जो पावर जो स्विच है ना वो लैपटॉप के राइट कॉर्नर पर ही मिलने वाला है। और एक कीबोर्ड के साथ ही पावर स्विच आता है बट आपका जो की है ना डेल का मुझे एक अच्छा लगता है क्योंकि उधर एक की मिलता है, मतलब कि कीबोर्ड जैसा टच नहीं मिलता है। आप अगर प्रेस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो एक स्विच उधर है। तो हमारा जो लैपटॉप का जो बैक साइड है आप देख सकते हैं, बैक साइड में आप लोगों को मतलब कि दो साइड में आपको स्पीकर मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको एयर एग्जॉस्ट के लिए पंखा है ना, वो जो पंखा जो गर्म हवा क्या बोलते हैं गर्म हवा निकालता है तो आपको देखने को मिल जाएगा तो लैपटॉप के पीछे ऐसा कुछ। और इंस्पिरेंट के ब्रांडिंग वैंडिंग और आपका जो सीरियल नंबर है ऐसा आपको चिपका हुआ मिलेगा। इस लैपटॉप में चार्ज होने में लगभग आपको 2 घंटा लगने वाला है और इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको 3 घंटा लगने वाला है। अगर आप लैपटॉप को ऑन करके चार्ज कर रहे हो तो आपका जो टास्क है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टास्क कर रहे हो उसके ऊपर आप चार्जिंग होने वाला है। अगर आप ऑफ करके कर रहे हो तो 2 घंटा और इसका जो बैटरी बैकअप है 3 से 7.5 घंटा आपको मिलने वाला है बराबर एकदम। जो लैपटॉप का जो स्क्रीन है दोस्तों फुल एचडी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इस स्क्रीन को हम कहेंगे एंटी गैलरी डिस्प्ले जो कि WPO पैनल में आता है, मतलब कि आप साइड से भी देख सकते हो आराम से। और एक फुल एचडी 1080p फुल एचडी डिस्प्ले है दोस्तों, कोई भी आपको इस डिस्प्ले से परेशान नहीं होने वाला है, मतलब कि आप देखोगे ना तो सारा चीज़ चमका हुआ मिलेगा, मतलब कि झकझक कर रहा है ऐसा। सो एक नैरो बॉर्डर में आता है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही पतला जो बजल्स है ना बहुत ही थिकनेस है, मतलब कि बहुत ही छोटा है और लैपटॉप को देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। नीचे साइड और थोड़ा सा नैरो होता तो लैपटॉप का देखने का मज़ा कुछ और ही आ जाता है। तो जो भी हो लैपटॉप को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप मतलब कि आप देख सकते हो कि लैपटॉप कितना खूबसूरत लग रहा है और बड़ा भी है, आपको बैग के अंदर भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है आपका जो लैपटॉप का बैग है या फिर आप पर्सनली जो बैग यूज़ करते हो उसमें नहीं आएगा, लैपटॉप आ जाएगा। ये 15.6 इंच डिस्प्ले है, आराम से आ जाएगा। बात करेंगे लैपटॉप की लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड में आपको एक चार्जर पोर्ट, एक LED इंडिकेटर, एक HDMI पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट और 2 USB पोर्ट और एक हेडफोन 3.5 mm वाला जैक आप लोगों को देखने मिल जाएगा। ये माइक और हेडफोन दोनों एक साथ में है। राइट साइड की तरफ बात करेंगे, राइट साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक छोटा सा लॉक और एक USB और एक HD वाला पोर्ट। लैपटॉप के ऊपर की तरफ आपको एक कैमरा, एक LED इंडिकेटर और एक माइक भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस लैपटॉप के साथ आपको बैग भी मिलता है, एक्स्ट्रा आपको बैग के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता, मतलब कि उस पैसे में आपको 45,000 में बैग भी आता है
भाई क्या बैग अलग से परचेस करना मतलब नहीं भाई, इस लैपटॉप में बैग आता है तो आप देख सकते हो बैग का क्वालिटी मतलब की ठीक ठाक है, ज्यादा मैं खराब नहीं बोलूंगा क्योंकि इसका जो आप देख सकते हैं इधर आपको नरमी वाला जो कुशन है वो देखने को मिल जाता है और चेन वगैरह भी एकदम सही है, ठीक ठाक है। लैपटॉप लेने के लिए बहुत बढ़िया, आप और कुछ थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं प्रिंटर वगैरह बस। इस लैपटॉप में लैपटॉप का जो कैमरा क्वालिटी है और वीडियो और ऑडियो का जो क्वालिटी है कुछ आप लोगों को ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी टेस्ट कर लेता हूँ लैपटॉप का, तो लैपटॉप का ऑडियो कुछ ऐसा सीन है आप सुन सकते हो कि नॉइज ले रहा है, तो इस घर में फैन चल रहा है मतलब साइड में फैन चल रहा है वो नॉइज ले रहा है शायद, मुझे पता नहीं, वीडियो में आप देख लेना तो इसका जो ऑडियो है वो कैसा है। तो अगर बात करते हैं लैपटॉप की साउंड क्वालिटी के बारे में, भाई साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस लैपटॉप का जो स्पीकर है वो पीछे मतलब कि आपका जो फ्रंट में होने की वजह से फ्रंट में पीछे बैकग्राउंड में साउंड काफ़ी ज़्यादा लाउडली होता है और बेस भी है, आपको आप सुन लीजिए जरा इसका जो क्वालिटी है बहुत ही मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आपको सुनाई कैसे करें मतलब मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं अगर रियलिटी की बात करूँ तो साउंड काफ़ी अच्छा और बढ़िया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक नया वीडियो में। तो अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस कोविड में आप खुद का ध्यान रखिए और आपका परिवार वालों का भी ध्यान रखिए।